स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। इसमें हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में डिस्कस करेंगे तथा यूनान के प्रमुख विचारक सुकरात के संदर्भ को भी लेंगे। स्टूडेंट्स का आग्रह है कि पॉलिटिकल साइंस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेकर वीडियोज़ बनाए जाएँ। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से निश्चित ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। आई वुड लाइक टू एम्फसाइज अगेन एंड अगेन। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि राजनीति शब्द राज्य और नीति इन दो शब्दों से मिलकर बना है। राज्य में नागरिक रहते हैं और इन्हीं नागरिकों के हित के लिए राज्य विभिन्न प्रकार की नीतियों को निर्मित करता है। और इस तरह से राजनीति का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक हित में किया गया कार्य। अर्थात राजनीति का संबंध व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन से होता है। एक राज्य में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, वे सभी कहीं ना कहीं राजनीति से ही संबंधित होते हैं। कोई भी राज्य एक दिन में अस्तित्व में नहीं आता है, वरन इसके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, या ये कहें कि शनै शनै विकास होता है। इसके उदय में एक निश्चित समय सीमा भले ही ना हो, लेकिन समय सीमा काफ़ी अधिक होती है। इनका अपना इतिहास है। और इस दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल में कबीला राज्य, प्राच्य साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, मध्यकाल में सामंती राज्य तथा आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य इत्यादि का विकास शनै शनै हुआ। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से भी इन राज्यों का एक स्पेसिफिक स्थान है, जिनमें यूनानी नगर राज्यों के कंट्रीब्यूशन को भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तथा एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि राजनीतिक चिंतन को जन्म देने का श्रेय यूनानी नगर राज्यों को इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति पर, पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स क्या है, ये कैसे संचालित होती है, एक राज्य क्या है, समाज क्या है, इन्हीं सभी संदर्भों पर, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इन सभी संदर्भों पर राजनीति के संदर्भ में विधिवत वैज्ञानिक चिंतन प्रारंभ किया, स्वतंत्रता पूर्वक विषयों का प्रतिपादन किया तथा स्वतंत्र चिंतन किया। चूंकि इन्होंने राजनीति पर क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनानी नगर राज्यों का एक स्पेसिफिक प्लेस है जो अध्ययन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से यूनानी नगर राज्यों के संदर्भ में थोड़ा और डिस्कस करें तो हमें विदित होगा कि ये सभी जानते हैं कि यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित थे, जिसमें एथेंस और स्पार्टा का विशेष महत्व था। एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बोलबाला था उस समय, तथा सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल इत्यादि जो दार्शनिक हैं, प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं, ये वहीं से संबंधित थे। कहते हैं जब सुविधाएं हो और चिंता ना हो तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समग्र रूप से विकास कर सकता है, स्वतंत्र चिंतन कर सकता है। तो इसी तरह से यूनानी नगर राज्य चूंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए थे और सुरक्षा को लेकर भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, और यही कारण है कि वहाँ पर स्वतंत्र चिंतन का बोलबाला था। जो दार्शनिक थे वे स्वतंत्र चिंतन करते थे। इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। और यदि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी यदि हम डिस्कस करें तो यूनानी नगर राज्यों की अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो मुख्य रूप से कृषि था, और यही कारण है कि वहाँ पर प्रचुर मात्रा में अन्न का उत्पादन किया जा सकता था। और यही कारण ये भी है कि वहाँ के जो राज्य थे वे पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थे। यद्यपि उस समय आयात निर्यात की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक बात अवश्य थी कि यूनानी जो दार्शनिक थे, राजनीतिक चिंतक थे, विचारक थे, ये सभी बड़े विद्वान थे और अहंकारी भी माने जाते थे। वे अपने समक्ष किसी और को विशेष दर्जा नहीं देते थे, स्वयं को पूर्णतः विद्वान मानते थे। वे व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में डिस्कस करते थे कि राज्य का आधार क्या होना चाहिए, नागरिकों का राज्य के लिए क्या स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक आदर्श नागरिक में किस तरह के गुण होने चाहिए, राज्य के क्या उत्तरदायित्व हैं नागरिकों के प्रति, समाज के प्रति। तथा यूनानी चिंतकों ने राज्य को साध्य माना तथा प्रत्येक विषय को प्राकृतिक आधार पर उचित ठहराने का प्रयास भी किया। आप दार्शनिक राजा का सिद्धांत ले लीजिए, साम्यवाद ले लीजिए, इन सभी महत्वपूर्ण संदर्भों पर वहाँ के दार्शनिक खुलकर चिंतन किया करते थे। अच्छा, एक बात और ध्यान देने योग्य है। एज वी ऑल नो कि जहाँ प्लेटो और एरिस्टोटल ने राज्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना तथा व्यक्ति को राज्य में विलीन कर दिया,
हम सरल शब्दों में कहें तो राज्य को प्रमुख माना तथा व्यक्ति को गौण माना और राज्य के समक्ष व्यक्ति को नगण्य माना तथा वहीं प्लेटो के पूर्व में जो सोफिस्ट विचारधारा थी उसका अपना अलग मत था। सोफिस्ट विचारकों का मत राज्य के संदर्भ में तथा व्यक्ति के संदर्भ में अलग था। सोफिस्ट का शाब्दिक अर्थ है विद्वान व्यक्ति या ये कहें कि विद्वान शिक्षक, और इनका ये कार्य था कि ये धन लेते थे तथा उसके बदले में शिक्षा प्रदान करते थे, यानी शिक्षा के प्रदान करने में सर्वप्रथम वो धन लेते थे। और सोफिस्टवादी विचारक राज्य को एक प्राकृतिक संस्था ना मानकर कृत्रिम संस्था मानते थे कि ये मानव निर्मित संस्था है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। सोफिस्ट विचारकों के अनुसार राज्य व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम है, यानी राज्य और व्यक्ति के मध्य कुछ स्पेसिफिक समझौते हैं और उन्हीं का परिणाम राज्य है तथा यही कारण है कि राज्य मानव निर्मित है, राज्य कृत्रिम है, सीमित है, प्राकृतिक नहीं है। जहाँ यूनानी दार्शनिकों ने राज्य को साध्य माना तथा व्यक्ति को साधन, वहीं सोफिस्टवादी विचारधारा ने राज्य को साधन माना तथा व्यक्ति को साध्य। व्यक्ति को साध्य मानने के कारण सोफिस्टवादी विचारक मानवतावाद तथा सार्वभौमिकतावाद में विश्वास करते थे, मानव मूल्यों में विश्वास करते थे। प्रशिष्ट जो सोफिस्ट विचारक प्रोटोगोरस का प्रसिद्ध कथन है कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। अच्छा, इसी समय क्या हुआ कि एथेंस में सुकरात का भी बोलबाला था। सुकरात एक महान दार्शनिक के रूप में, राजनीतिक चिंतक के रूप में उभर रहे थे और सुकरात का प्रसिद्ध कथन था स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, सर्वप्रथम अपने आप को जानो। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुकरात को सोफिस्ट नहीं कहा जा सकता या उनको सोफिस्ट विचारक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह शिक्षा तो देते थे, एजुकेशन को प्रोवाइड करते थे, एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करते थे, लेकिन उसके बदले में वे धन नहीं लेते थे। जबकि जो सोफिस्ट विचारक थे वो धन लेते थे, उसके बदले में शिक्षा देते थे, लेकिन जो सुकरात थे वो निशुल्क तथा समाज सेवा हेतु शिक्षा प्रदान करते थे, मानव की सेवा हेतु शिक्षा प्रदान करते थे। सुकरात सर्वजन हिताय तथा सर्वजन सुखाय में भरोसा रखते थे, इसमें विश्वास प्रदर्शित करते थे। हम सभी जानते हैं सुकरात प्लेटो के गुरु थे। सुकरात के प्रमुख विचार प्लेटो के प्रमुख विचार माने जाते हैं, या ये कहें कि प्लेटो का जो दर्शन, चिंतन, लेखन, सृजन जो भी उन्होंने सृजित किया वो सभी सुकरात से कहीं ना कहीं प्रभावित था। इस तरह से प्लेटो ने जो भी लिखा, सृजित किया, चिंतन किया वो सभी उसने अपने गुरु सुकरात को समर्पित कर दिया, उनके विचारों से प्रभावित होकर लिखा। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि प्लेटो सुकरात से इतना अधिक प्रभावित थे कि उनसे अलग अपने अस्तित्व की वो कल्पना नहीं करते थे तथा उनको गुरु रूप में पूर्णतः अपने लिए स्वीकार करते थे। चूँकि सुकरात अपने आप में एक इतना वृहद और विस्तृत टॉपिक है जिसके संदर्भ में एक अलग से वीडियो की आवश्यकता है, और इसके संदर्भ में हम डिस्कस लेटर ऑन करेंगे जिसमें उनके लाइफ स्केच के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके फिलोसफिकल थॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्लेटो के जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ स्पेसिफिक थॉट्स हैं या विचार हैं उनके संदर्भ में हम जान लेते हैं कि सुकरात ज्ञान के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रखते थे। तो वे मानते थे कि पूर्ण सत्य वैचारिक है। सुकरात का ऐसा मत था कि सत्य पूर्ण रूप से वैचारिक है, व्यवहारिक नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो सापेक्ष ज्ञान तथा दूसरा निरपेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान के संदर्भ में सुकरात का ऐसा मत था कि ये अस्थाई है तथा अपूर्ण है। सापेक्ष ज्ञान अपूर्ण है एवं अस्थाई है, यह मानव जगत से संबंधित ज्ञान है। तथा निरपेक्ष ज्ञान के संबंध में सुकरात ये मानते थे कि ये पूर्ण है तथा स्थाई है और ब्रह्म जगत से संबंधित ज्ञान है। सुकरात का प्रसिद्ध कथन है, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। आप उनके इस कथन से अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना डाउन टू अर्थ थे। यद्यपि सुकरात कभी कभी ये भी कहते थे कि दुनिया में यदि कोई सबसे अधिक जानता है तो मैं जानता हूँ, दुनिया में यदि कोई सबसे अधिक जानता है तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये है, उनके इस कथन का वास्तविक अर्थ ये है कि मैं अपनी कमियों को जानता हूँ। इसके अतिरिक्त सुकरात का प्रसिद्ध कथन है कि सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए। ज्ञान का अभिप्राय कहीं ना कहीं पवित्र ज्ञान से है और आचरण में इसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। सद्गुण कैसे आते हैं? सद्गुण अच्छी आदतों की प्रैक्टिस से आते हैं। तथा दुर्गुण का विकास कैसे
में होता है। दुर्गुण निश्चित ही बुरी आदतों के माध्यम से विकसित होते हैं। अब एक व्यक्ति यदि वह बचपन से ही अच्छे गुणों की, सद्गुणों की प्रैक्टिस कर रहा है, उसे पता है ऑनेस्टी क्या है, ब्राइब नहीं लेनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। अब यदि वह व्यक्ति इंटेलिजेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है तो वो उन्हीं सद्गुणों की प्रैक्टिस जो कि करता रहा है तो लेटर ऑन वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रवैये में भी वो चीज़ें दिखेंगी। जब वो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा तो वहाँ भी वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेगा जो उसने बचपन से फॉलो की हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सद्गुण कहीं ना कहीं आदतों से संबंधित होते हैं, अच्छी आदतों से संबंधित होते हैं तथा नैतिकता से संबंधित होते हैं। सुकरात का ये मत है कि ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए, यानी ऐसा ज्ञान जो कि हमारे आचरण को नैतिक बनाए, ऐसी आदतें जो कहीं ना कहीं अच्छे ज्ञान से प्रभावित हों। इसी तरह से उन्होंने शासक के संदर्भ में भी अपने विचारों को स्पष्ट किया, निर्लिप्त बुद्धि द्वारा शासन किया जाना चाहिए, अर्थात एक शासक ऐसा होना चाहिए जिसकी बुद्धि किसी से भी लिप्त ना हो। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि वो अपनी पराये में किसी भी प्रकार का भेद ना करे, अर्थात वह निरपेक्ष ज्ञानी हो। इसी को सुकरात ने दार्शनिक राजा का नाम दिया। इसके संदर्भ में कुछ विद्वानों का मत है कि पूर्ण सत्य वैचारिक है, व्यवहारिक नहीं है, यानी वैचारिक तो है, विचार करने योग्य है, लेकिन पूर्णतः व्यवहार में उतर आए ऐसा संभव नहीं है, विद्वानों ने ये माना है। सुकरात प्रजातंत्र के विरोधी थे, वे इसे भीड़ तंत्र कहा करते थे, क्योंकि कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ थीं कि उस समय जो सरकार थी वह प्रजातंत्र से संबंधित अवश्य थी लेकिन भ्रष्ट थी, और यही कारण है कि सुकरात प्रजातंत्र के विरोधी थे। सुकरात द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास रखते थे। जैसा कि अभी मैंने कहा कि सुकरात के समय में एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का शासन विद्यमान था, प्रजातंत्रीय सरकार में बहुत सारी कमियां विद्यमान थीं, भाई भतीजावाद वहां पर बहुत अधिक प्रचलित था। सुकरात भी अपनी धुन में मस्त रहते थे, मनमौजी थे, वे घूम घूम कर सरकार की आलोचना करते थे जिससे सरकार के विरुद्ध वातावरण निर्मित होता चला गया तथा प्रजातंत्रीय सरकार के विरोध करने के कारण देशद्रोह के आरोप उन पर लगने लगे, उन्हें बंदी बना लिया गया, सजा के रूप में उन्हें विषपान करने को कहा गया। सुकरात ने राज्य के कानूनों का पालन करते हुए विषपान किया तथा सदैव के लिए चिरनिद्रा में सो गए। यद्यपि प्लेटो ऐसा नहीं चाहते थे और वे इन सभी संदर्भों से बहुत आहत थे, निराश हुए। सुकरात के थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम डिस्कस करें तो सुकरात का ज्ञान का जो सिद्धांत था वह तत्कालीन सोफिस्ट विचारकों की विचारधारा की प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रारंभ हुआ। सोफिस्ट विचारकों के अनुसार ज्ञान का आधार प्रत्यक्ष होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग हो सकता है। इसके विरुद्ध सुकरात का इस संदर्भ में ये अभिमत था कि सार्वभौमिक ज्ञान की संकल्पना पृथक है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं वरन प्रत्यय द्वारा विकसित होता है। प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, एक वर्ग के सभी सदस्यों के सामान्य गुणों को प्रतिपादित करने वाला विचार है। जब हम एक व्यक्ति को अपने सामने देखते हैं तो उसके व्यक्तित्व, चाल ढाल, वेशभूषा, रंग रूप इत्यादि के संदर्भ में कल्पना करते हैं और यही प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है। लेकिन जब हम उस व्यक्ति की कल्पना मानव समूह के सदस्य के रूप में करते हैं तो उसके शारीरिक बनावट, उसके शरीर की आकृति, उसके नयन नक्श इत्यादि के संदर्भ में सोचते हैं, उसके सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में विचार करते हैं, तो ये जो सामान्य विशेषताओं का कॉन्सेप्ट है यही वास्तव में प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्ययों के निर्माण के लिए उन्होंने आगमन पद्धति का प्रयोग किया तथा प्रत्यय की रूपरेखा विकसित की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनानी नगर राज्यों की एक स्पेसिफिक भूमिका है राजनीतिक चिंतन के विकास के संदर्भ में और इनमें वहाँ के दार्शनिक। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। Please take care of yourself. Thank you.